सतना में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। इसमें 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों के घर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मामला सतना के चित्रकूट स्थित नया गांव थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बीते दिन रविवार की रात को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। घटना मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित भारत घाट की है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग ने नया गांव पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और 3 आरोपी सतना जिले के चित्रकूट स्थित नया गांव के रहने वाले थे। चित्रकूट निवासी आरोपी विनोद निषाद, मोहित निषाद और संतोष कुशवाहा के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई मझगुआ SDM जितेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में हुई। CMO नगर परिषद चित्रकूट के माध्यम से नोटिस जारी की गई थी, दुष्कृत किया है बालिका का, तारीख 6 को जो है जी यहाँ पे बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से, उसी प्रदेश में उनको नोटिस जारी करके CMO नगर परिषद चित्रकूट द्वारा इनके भवन जो है ध्वस्त किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस तरह का अगर कोई करता है तो उसके मकान पर जाना है। ये जिनका आप संतोष बच्चू कुशवाहा पिता राम मिलन कुशवाहा था, उसकी उम्र 20 वर्ष है, निवासी गाँव का। इसके बाद और अन्य आरोपियों का हम स्थल पर चलेंगे तो आपको अपना स्टेटमेंट देंगे।